गुड मॉर्निंग क्लास 7. इन द लास्ट वीडियो आई हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट द सब्जेक्ट एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. बिफोर द स्टार्टिंग दिस वीडियो आई हैव जस्ट क्लियर द व्हाट इज द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग. आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि इसके बुक के पहले चैप्टर में क्या दिया है, सर्ट एंड इंडिसेस. आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले तो कभी हमने इसका नाम नहीं सुना, सर्ट एंड इंडिसेस. सर्ट एंड इंडिसेस क्या है? फुल्ली बेस्ड ऑन रूट्स एंड एक्सपोनेंट. रूट्स एंड एक्सपोनेंट, इससे पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, उसी के बेसिस पे हम लोगों को ये सारा सॉल्व करना है. इसमें कुछ नया नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई भी चीज इसमें हमें नया नहीं पढ़ना है. जो हम लोग अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसी के बेसिस पे हमें सारा चीज यहाँ पढ़ना है. जैसे कि सर्ट्स एंड इंडिसेस. सर्ट्स क्या होता है? जो रूट्स निकालते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, हम लोगों ने एग्जाम्पल क्या लेना है, जब हम लोग इसका ये निकालेंगे तो 64 वन बाई फोर हम लोग लिखते हैं. अगर इसे हम रूट से बाहर निकालते हैं तो इसे फिर हम लोग 4. अब इसे हमको फिर वो ब्रेक करना होता है, कहां तक हमें लेके जा रहा है, क्योंकि ये चीज सीधी सी हमने बताया कि जब रूट से बाहर निकालते हैं सर्ट्स इसे ही कहते हैं, और जब ये निकल जाता है तो ये, और इनका जब भी प्रोडक्ट करना होगा तो वो आ जाता है हमारा इंडिसेस. जब दो भी नंबर आ जाएंगे 64 वन बाय फोर इंटू 56 वन बाय फोर, ये आ जाता है हमारे इंडिसेस में. ये हमारे इंडिसेस में. तो हमने अभी तक पढ़ाया बताया था इससे पहले कि जो भी चीजें हैं रूट्स और हमारे एक्सपोनेंट के बेसिस पे ही ये चैप्टर डिस्कस करता है. जैसा कि पहला चैप्टर आप देख सकते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, इसके सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हैं. इनको सॉल्व करना है, इनका आंसर निकालना है. आप इन्हें सॉल्व करके नेक्स्ट वीक इनके सॉल्व करके इनका सारा क्वेश्चन का आंसर आप मुझे सेंड करेंगे. ओके, थैंक यू.